नमस्कार मित्रों, नेचर दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए उल्लू आउल के बारे में जानकारी जुटा के लाए हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उल्लू पक्षियों का एक प्रकार होता है जिन्हें रात में जगने की और दिन में सोने की आदत होती है। उल्लू के करीबन 200 प्रकार पाए जाते हैं। उल्लू अक्सर मकौड़ियों का और अन्य पक्षियों का शिकार करते हैं। कुछ उल्लू मछलियों का भी शिकार करते हैं। एक उल्लू के पंजे बहुत ही ताकतवर होते हैं, जिसके कारण वे अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। उल्लू के पैरों में दो उंगलियां आगे की दिशा में होती हैं और दो उंगलियां पीछे की दिशा में होती हैं। इनकी बड़ी आंखें होती हैं और सपाट सा चेहरा होता है। उल्लू के आंखों की पुतलियां नहीं होती हैं। एक उल्लू की आंखें हिलती नहीं है, इसलिए उसके शिकार से उसका ध्यान नहीं हटता है। ये पक्षी अपने सिर को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू अपने से दूर की चीजों को सफाई से देख पाता है, पास की चीजें उसे ठीक से नहीं दिखती। दूसरे पक्षियों से उल्लू सबसे शांत साबित होता है। अपने रंग के कारण उल्लू अक्सर अपने वातावरण में ऐसे मिल जाते हैं कि वे हमें आसानी से दिखते नहीं हैं। कुछ उल्लू के चेहरे दिल के आकार का होता है। उल्लू के कान आकार में एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ उल्लू अन्य दूसरे उल्लू के ही शिकार करते हैं। उल्लू बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। इन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है। लक्ष्मी माता के वाहन उल्लू का ज्योतिष में महत्व। उल्लू को लक्ष्मी का वाहक माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे कहीं शुभ तो कहीं अशुभ माना जाता है। उल्लू को लेकर कई तरह की मान्यताएं हमारे समाज और धर्म में प्रचलित हैं। जानिए ऐसी ही 5 मान्यताएं जिस पर आज भी विश्वास किया जाता है। हालांकि ये इतना आम या आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आपकी नज़र उल्लू से मिल जाती है, जो समझ लीजिए कि आपको बेहिसाब दौलत मिलने वाली है। रोग को लेकर भी उल्लू की यह मान्यता है कि अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए तो गंभीर रोग भी ठीक हो सकता है। उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ होता है, इसलिए जब भी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है तो इसे अपशगुन माना जाता है। लेकिन उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ रहता है। अगर उल्लू किसी घर की छत पर आकर बैठता है या छत पर बैठकर आवाज करता है तो यह घर के किसी सदस्य की मौत हो जाने की ओर इशारा करता है। अगर सुबह के वक्त पूर्व की दिशा की ओर उल्लू दिखाई दे या फिर उसकी आवाज सुनाई दे तो यह माना जाता है कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। उल्लू तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग। उल्लू वशीकरण तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग हिंदू धर्म में दूसरा पवित्र पक्षी उल्लू को माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी गलत धारणा के चलते उल्लू से डरते हैं, किंतु यह गलत है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन है और यदि हम उल्लू का अनादर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। लोग उल्लू से इसलिए डरते हैं कि वो डरावना दिखता है। कुछ लोग हद तब कर देते हैं जब वो अपने ही करीबी को उल्लू की तरह दिखने के कारण उन्हें मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तव में यह गलत है। उल्लू का महत्व तंत्र साधना में बहुत है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू की विवेकशीलता और उससे मिलने वाले लाभकारी परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कई रहस्यमयी शक्तियां छिपी है। ग्रीकवासी आदिकाल से उल्लू को सौभाग्य, धन और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, जबकि पूरा यूरोप उल्लू को काले जादू के मुख्य अंग के रूप में माना जाता है। चीनी फेंगशुई में अगर उल्लू सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक है तो जापानियों की नज़र में उल्लू उनकी मुसीबत में रक्षा करता है, और अगर यदि भारत में इस तंत्र की बात करें तो यहाँ यह विधा बहुत ही प्रचलित है। इसमें कई चमत्कारी अचूक तांत्रिक शक्तियाँ हैं। यह माना जाता है कि उल्लू के हाव भाव, बोली और उड़ान भरने की स्थिति से भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। ज्योतिषास्त्र के अनुसार उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, जो शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री है, जबकि उल्लू राहु के घर का प्रतिनिधित्व करता है तथा कुंडली में इसका सुनिश्चित घर छठा स्थान का है। हालांकि इसका तीसरे, छठे और आठवें घर में होना शुभ माना गया है, इसलिए उल्लू की महत्वता मनुष्य के जीवन में बनी रहती है, जिसे भविष्य सूचक के नजरिए से देखा जाता है। धन की प्राप्ति के लिए उल्लू की तस्वीर लगाने और उसकी दीपावली की शाम पूजा करने का शुभ परिणाम होता है। धन रखे जाने वाले स्थान पर उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका है और इसे घर में आर्थिक लाभ के अवसर बनते हैं। पक्षी तंत्र के अनुसार उल्लू धन का संकेत देने वाला है।
जहां भी खजाना छिपाकर रखा होता है या गड़ा हुआ रहता है, वहां उल्लू पाए जाते हैं। दीपावली पर उल्लू तंत्र के कुछ उपायों को करके आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को हटा सकते हैं। घर में किसी भी प्रकार की बाधा हो तो दीपावली की रात में माता लक्ष्मी का मंत्र उल्लू पर विराजी या उल्लू के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष लाल चंदन की माला से 1000 बार जाप करें। इससे हर प्रकार की बाधा दूर होगी। सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर साफ सुथरी जगह एक ऊन का आसन लेकर उस पर स्वयं विराजित होकर बैठे, फिर उल्लू के साथ लक्ष्मी की तस्वीर को सामने रखे। जहां तक हो सके शंख की माला या कमलगट्टे की माला लेकर मंत्रों का जाप करें, लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि सपने में उल्लू को अपने ओर आते हुए देखा है तो उसे शुभ माना जाता है, और यदि स्वप्न में उल्लू दूर जाता हुआ दिखाई देता है तो यह घर में आग लग जाना, चोरी हो जाना, व्यापार में घाटा होने का संकेत देता है। हिंदू धर्म में ज्योतिषास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार शगुन अपशगुन की मान्यता सदियों से चली आ रही है। उल्लू से जुड़े कुछ शगुन और अपशगुन निम्नलिखित है। यदि उल्लू रात में यात्रा कर रहे व्यक्ति को होम होम की आवाज करता हुआ मिले तो शुभ फल मिलता है, क्योंकि इसी प्रकार की ध्वनि यदि वह फिर करता है तो उसकी इच्छा रमण करने की होती है। यदि उल्लू किसी के घर बैठना प्रारंभ कर दे तो वह घर कभी भी उजड़ सकता है और उस घर के मालिक पर कोई विपत्ति आने की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मृत्यु सूचक माना जाता है। वही चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मृत्यु का सूचक माना जाता है। हिंदू धर्म में ऋषियों ने बड़े ही गहन अवलोकन और अध्ययन के बाद ही उल्लू को देवी लक्ष्मी के वाहन होने की बात को कहा जाता था। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।